नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी दफ्तर में ये बैठक चल रही है। चुनाव में बड़े नेताओं की रैलियों का प्लान तय किया जाएगा। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। बीजेपी के यूपी लोकसभा प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं इस मीटिंग में। दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। दिल्ली में आगामी दिनों में होने वाली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से पहले यूपी बीजेपी की ये बड़ी मीटिंग इस वक्त चल रही है। तो दिल्ली में बैठक में तय हुए एजेंडे को ही पूरा करने पर मंथन होगा। संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, हमारे सहयोगी। संकेत, बैठक की शुरुआत हो गई है, दिल्ली में मीटिंग हुई, वहां से एक लाइन लेंथ तय कर दी गई। अब उसी पर आगे किस तरह से रणनीति बनाई जाए, किस तरह से उसे इंप्लीमेंट किया जाए, यही मुख्य मुद्दा होगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम अभियानों को लेकर मंथन लगातार करती रहती है। लेकिन आज की जो बैठक है ये काफ़ी बड़ी बैठक है, अहम बैठक है। इस लिहाज से दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पांडा, वो इस बैठक में मौजूद हैं। पहली बार वो किसी बैठक में, भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक में उत्तर प्रदेश में मौजूद है, उनकी पहली बैठक है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद है। इस बैठक में मंथन किया जा रहा है आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कि किस तरीके से बूथ स्तर पर पार्टी को सशक्त किया जाए और भारतीय जनता पार्टी उन तमाम अभियानों की, उन तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उनकी बाकायदा आज जिम्मेदारी तय की जाए कि आखिर किस पदाधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी देनी है, किस अभियान का प्रभारी बनाया जाना है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ये जो लोकसभा चुनाव से जुड़ी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, उससे पहले ये उत्तर प्रदेश में जो आज की बैठक है ये काफी अहम है, लोकसभा प्रत्याशियों के चयन के लिहाज से भी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो हारी हुई लोकसभा की सीटें हैं उन पर भी मंथन कर रही है कि उनमें किस तरीके की सियासी व्यूह रचना की जाए कि जिससे विपक्ष को घेरा जा सके। ये बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी प्रदेश के भी मौजूद हैं। जी संकेत, यहाँ पर जो रणनीति तय होगी उसे नीचे तक पहुंचाने के निर्देश दिए जाएंगे जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उन सभी को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, या फिर उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा? बिल्कुल, आज जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, दरअसल पिछले दिनों राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, उसमें तमाम जो निर्देश पार्टी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिए गए थे आज उन पर भी मंथन होगा कि आखिर जो शीर्ष नेतृत्व के निर्देश हैं उनको कैसे जमीन पर उतारा जाए, उसके लिए बाकायदा जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनकी बूथ स्तर तक जिम्मेदारी तय की जाएगी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ जीतो चुनाव जीतो की रणनीति पर काम कर रही है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर अपने तमाम चुनावी अभियान अब लेकर आ रही है कि किस तरीके से बूथ स्तर पर पार्टी को सशक्त किया जाए, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी बूथ स्तर तक जाएंगे यानी कि जमीन पर उतरेंगे। धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी के सभी अहम चेहरे इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद हैं और किस तरह से बूथ को मजबूत कर और बूथ को जीत हासिल किया जाए, एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, जो दिल्ली में रणनीति बनी है उस पर आज मंथन। इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब सीट शेयरिंग पर बात अटक चुकी है। दोनों दलों का एक दूसरे से मोह भंग हो चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों पर बात नहीं बनी है, ये बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी में भी गठबंधन का टूटना अब लगभग तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने दो टूक कह दिया है कि टूट के लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार होगी। तो कांग्रेस का कहना है कि 3 सीटों की डिमांड पूरी नहीं हो रही है और यही वजह है कि बात नहीं बन पा रही है। तो 3 सीटों को लेकर, जबकि 17 सीट समाजवादी पार्टी की ओर से ऑफर किए गए थे, उसके बाद भी 3 सीट पर कांग्रेस और एसपी के बीच में ठन गई और लगता है कि गठबंधन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी का सियासी जिन
अब छिन भिन हो चुका है। ना अखिलेश यादव 17 से ज्यादा सीटें देने के मूड में हैं और ना ही कांग्रेस 21 सीटों से कम पर मानने वाली है। ऐसे में अब दोनों पार्टियों की राहें अलग अलग जुदा जुदा हो चुकी हैं। बार बार गठबंधन की हुंकार भरने वाले अखिलेश यादव का अब गठबंधन से मोह भंग हो चुका है। एक एक समाजवादी कार्यकर्ता कांग्रेस के अड़ियल रवैये से नाराज हो चुका है। क्या अध्यक्ष, क्या प्रवक्ता, सबने एक साथ कांग्रेस से दोस्ती तोड़ने का फैसला कर लिया है और जो बयानबाजी हो रही है वो कांग्रेस पर डायरेक्ट हमला है। समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट है, अखिलेश यादव ने बड़े दिल के साथ गठबंधन चाहा, लेकिन कांग्रेस के अहंकारी प्रभारी गठबंधन नहीं चाहते। अगर गठबंधन टूटा तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर कई छोटे दलों से भी कम है। समाजवादी पार्टी अकेले बीजेपी को हटाने में सक्षम है। ये वो बयान है जो इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि अब तीर कमान से निकल चुका है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव बड़े दिल के साथ सपा और कांग्रेस का गठबंधन चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के घमंडी प्रभारी के कारण ये नौबत आई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। दरअसल 27 जनवरी को अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान किया। 30 जनवरी को SP उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। 19 फरवरी को समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया। 19 फरवरी को समाजवादी पार्टी ने 11 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी अब तक 27 उम्मीदवार उतार चुकी है। यानी एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ सीटों पर बातचीत की बहानेबाजी भी हो रही है। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या यात्रा में शामिल होने वाले राष्ट्रपति? मैं तो मेनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता है कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। 2-3 सीटें यहाँ वहाँ हम चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ये सब बातचीत से ही तय होगा और अंतिम रूप दिया जा रहा है। अखिलेश जी ने भी साफ कह दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होना जरूरी है। वो विचार को हम सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ। मतलब ये कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसी वजह नहीं बची जिससे गठबंधन को बरकरार रखा जाए। और इसी उठापटक के बीच कहा जा रहा है कि दो लड़के अब अलग अलग जुदा जुदा हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कभी समाजवादी पार्टी में महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश से मोह भंग हो चुका है और अब उन्होंने पद के साथ ही पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। साथ ही स्वामी मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और कहा कि अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में खांटी समाजवादी का संकल्प भूल गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे अब अखिलेश यादव अपनों के बीच घिर गए। सॉफ्ट हिंदुत्व का सिगुफा छोड़ने वाले अखिलेश यादव को सनातन के कट्टर विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा झटका दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ महासचिव पद से इस्तीफा दिया बल्कि उन्होंने MLC पद से इस्तीफा देने के साथ समाजवादी पार्टी को भी बाय बाय बोल दिया और निशाने पर अखिलेश यादव को रखा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी से वैचारिक मतभेद है क्योंकि अखिलेश समाजवादी पटरी से नीचे उतर चुके हैं। वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पक्षधर रहा हूं। ये टकराहट पहले भी होती रही है, आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं।
खुद को खाटी समाजवादी नेता बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का अब समाजवादी पार्टी से नाता टूट चुका है, क्योंकि उन्होंने पद के साथ ही पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, एसपी के एमएलसी पद से भी इस्तीफा, सपा की सदस्यता से भी इस्तीफा, पहले ही एसपी का महासचिव पद छोड़ा, अब सिर्फ इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि वो नेता भले ही समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से अब नाता नहीं है। और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद का त्याग किया है, विधान परिषद का भी त्याग किया है। अब आने वाली 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा, जहां पर आगे की दिशा तय होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का साथ उस मोड़ पर छोड़ा है, जहां से अखिलेश की राहें काफी कठिन हो चुकी है, क्योंकि एक तरफा टूटता गठबंधन है तो दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में अधिक एनडीए गठबंधन। स्वामी प्रसाद मौर्या जी समाजवादी पार्टी को रसातल में पहुंचाने गए थे और काम वहाँ हो गया, कुछ बचा खुचा तो अलग हो करके, हमने बताया ना कुछ लोग सट के करेंगे फिर हट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे, अब हट करके पार्टी बना करके सैकड़ों समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ खड़े हो जाएंगे, तो कमज़ोर कौन होगा, सपा ना कमज़ोर होगी, तो सब लोग गाहें बगाहें सब मोदी जी की मदद कर रहे हैं। यानी जिस छोटे छोटे नेताओं को साथ लाकर छोटे बड़े दलों से मेल मिलाप कर अखिलेश बीजेपी के सामने पीडीए का झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे, उसका लोकसभा चुनाव से पहले ही बंटा धार हो चुका है और उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश अपनों के बीच ही घिर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लखनऊ से ओपी राजभर का बड़ा बयान, बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं अखिलेश यादव, सिर्फ दिन में बीजेपी की खिलाफत करते हैं, रात में सीएम से मुलाकात करते हैं। अखिलेश और रामगोपाल सीएम से मिलते हैं, विपक्ष ने ठान लिया है मोदी जी को फिर पीएम बनाना है, ये कहना है ओपी राजभर का। हम सब सटकर और अखिलेश जी हटकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं, इस तरह की बातें ओपी राजभर पहले भी कर चुके हैं और अब एक बार फिर वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी बीजेपी के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। राजभर जी, आप भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रहे, आखिर क्या दिक्कत है कि बात नहीं बन पा रही है किसी भी दल के साथ? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के पास वो हुनर नहीं है कि लोगों को साथ लेके चले, अगर साथ लेके चलते तो नीतीश जी छुच्छी खोल के लेके नहीं भागते, पूरे उनके गठबंधन की अगर सबसे पहले छुच्छी कोई खोला तो नीतीश जी ने क्यों खोला? जब नीतीश जी और लोग प्रयास किए कि मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लाया जाए, तो पहले नेता हैं अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, अगर वो ही गठबंधन में आएंगे तो हम गठबंधन छोड़ देंगे, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर अखिलेश जी काम कर रहे हैं। वहाँ से कहा गया कि मायावती जी को गठबंधन में नहीं रखना है, कोई नहीं बोला लेकिन अखिलेश जी बोले, नीतीश जी चाहते थे और लोग चाहते थे कि वो आ जाएंगे तो गठबंधन मजबूत होगा। दूसरा, उन्होंने फिर कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश में जाके जंग छेड़ा। फिर तीसरा, उन्होंने अब देख रहे हैं जैसा भी आपने कहा कि रायबरेली पदयात्रा में शामिल होंगे, फिर बयान या नहीं शामिल होंगे, सीट शेयरिंग की बात फाइनल नहीं होगी तो हम जीवे नहीं करेंगे, अनबन शुरू हो गई है। तो जो मैंने 6 महीना पहले गठबंधन बना था, तो गठबंधन बनने के 2 दिन बाद मैंने 2 लाइन दोहा बनाया था कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है, कुछ लोग सट के करेंगे कुछ लोग हट के करेंगे। उधर राजा भैया से मिले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए नरेश उत्तम पटेल राजा भैया से मिलने पहुंचे। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 विधायक हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा से विधायक हैं, तो विनोद सरोज प्रतापगढ़ जिले की बाबागंज सीट से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ने दोनों ही विधायकों से राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की मांग की है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।